गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले पाठ में हमने पद के दो भागों को देखा था। उस भाग में पहले भाग में हमने देखा था कि कैसे पढ़ना है, पढ़ाई कैसे करना है, परीक्षा के समय समय का सदुपयोग कैसे करना है। दूसरे भाग में हमने देखा था कि परीक्षा पूर्ण होने पर मौज मस्ती कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, समय कैसे हम बिताते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। और जब हम कोई मेहनत करते हैं तो उसका परिश्रम हमें कैसे मिलता है, उसके बारे में भी हमने देखा था। तो आज हम इस पद के अंतिम भाग को हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप ही दोबारा से पढ़िए। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है ये पढ़ना है। मैं और एक बार बोलती हूँ, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना। इनाम यानी क्या? पुरस्कार। इनाम यानी पुरस्कार। तो कवि कहते हैं, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। खूब यानी बहुत। तो पापा मम्मी से इनाम लेना है यानी क्या? जब हम परीक्षा के लिए तैयारी करते रहते हैं तो थोड़े बच्चे अपने आप से पढ़ने के लिए शुरू हो जाते हैं, थोड़े बच्चे थोड़ा धीरे से पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, खेल कूद में मन लगाते रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो कभी कभी ऐसे बच्चों के लिए माता पिता क्या कहते हैं, इस बार तुम परीक्षा में अगर अच्छे अंक लेकर आओगे तो तुम्हें एक नया ड्रेस मिलेगा या नई साइकिल मिलेगी, छुट्टियों में कहीं हम बाहर घूमने जाएंगे। तो इस तरह के कोई पुरस्कार यानी जीतने पर ही जो पुरस्कार मिलता है वही नहीं, समझो ये उपहार है यानी गिफ्ट। पापा मम्मी से हमें क्या करना है, एक गिफ्ट लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। मेहनत करने वाले, मेहनत करने वाले यानी परिश्रम करने वाले, उनके लिए तो भगवान सदा उनके साथ ही रहते हैं। सदा उनके साथ रहते हैं यानी कभी कभी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि चलो परीक्षा आ गई, आज भगवान को याद करेंगे, आज मेरा रिजल्ट है तो हम भगवान को याद करेंगे, मंदिर जाएंगे, वहां जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। देखिए ये गलत है। आपको जो आप जो परिश्रम करते हैं वही परिश्रम भगवान को अच्छा लगता है। सिर्फ भगवान के घर जाकर ही भगवान के सामने प्रार्थना करने से भगवान खुश नहीं होते। हमारे भगवान कौन है? परिश्रम। जितनी हम मेहनत करते हैं उतना ही फल हम पाते हैं। तो कवि कहते हैं, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप दिन रात बैठकर पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो तो आपको जो भी प्रश्न आए उसके बारे में आपको कुछ डर नहीं लगता, आराम से आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। अगर कहीं पर आप एक प्रश्न पढ़ गए, दूसरा भूल गए, तो तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ते गए कहीं पर ध्यान चला गया, तो किसी के साथ बातचीत करने लगे, तो पूरा ध्यान आपको पढ़ाई पर नहीं है।
रहेगा। तब आप जब परीक्षा लिखने के लिए बैठते हो तब भगवान को याद करते हो, भगवान जी मुझे ये प्रश्न का उत्तर झट से याद दिला दो, मुझे ये ड्राइंग याद दिला दो, मुझे ये पिक्चर याद दिला दो। क्या भगवान सामने प्रकट होकर आपको दिखाते हैं ये आंसर है लिख लो, ये ड्राइंग है लिख लो कहते हैं? नहीं। यहाँ भगवान यानी क्या? हमारा परिश्रम। हम जो परिश्रम करते हैं, अगर आप परिश्रम करके अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो हमेशा आपको सही उत्तर सही समय पर मिलेगा। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो भी प्रश्न हो, जितना भी कठिन प्रश्न हो, आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। कभी कभी प्रश्न थोड़ा आगे पीछे करके देते हैं, तो जब से आप लिखते हैं आपको अचानक से क्या हो जाता है, डर लगता है, अरे ये प्रश्न तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तब आपको क्या करना है, धीरे से थोड़ा ठंडे दिमाग से आपको धीरे धीरे से अगर उस प्रश्न को आप दो या तीन बार पढ़ाई करके देखेंगे, मन में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यही प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जब आप अच्छी तरह से परिश्रम करेंगे तो आपको कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं रहती। तो कभी कहते हैं पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। अच्छी मेहनत करेंगे तो हमेशा भगवान हमारे साथ ही रहते हैं। जब हमें कठिनाई में है तभी हमारे साथ भगवान आते हैं, अच्छाई है तब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छे दिन में रहो या बुरे दिन में रहो, जब भी रहो भगवान तो आपके साथ ही रहते हैं। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। जीवन यानी क्या? हमारी जिंदगी। पथ, पथ यानी रास्ता। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। जीवन पथ यानी हमारी जिंदगी के साथ हमें आगे बढ़ना है। मान लो कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, तो अगर उस रास्ते में कहीं आपको गड्ढा मिल गया, कहीं कुछ रास्ता ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वहीं पर तो आप रुकते नहीं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, उससे सीधा आपका रास्ता किधर आते हैं आप ढूंढते हैं, कैसे आगे चलना है ये ढूंढते हैं। यह सोच समझ कर आप क्या करते हैं, उस रास्ते से आगे निकल कर आपको जहाँ जाना है वहां जाकर आप पहुंचते हैं। अरे यह तो रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता बहुत खराब है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, वापस आप चले जाते हैं? नहीं, हम पीछे कभी नहीं जाते, हमें आगे बढ़ना है। जब हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है, पहले पढ़ाई की ओर हमें ध्यान देना है। जब हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, अच्छे अंक मिल जाएंगे, तो हमारे जीवन में खुशियां आती है। चलो आगे बढ़कर आपको कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी कमाई होगी, आपका जीवन सफल होगा। लेकिन इस सब के लिए हमें पहले क्या करना है, पढ़ाई की ओर हमें ध्यान देना। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके रास्ते में बहुत सारे कांटे आएंगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ पसंद नहीं आएगा, आप सोचेंगे कि मुझे यह प्रश्न आता ही नहीं, मुझे जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे याद रहता नहीं। मान लो कि सभी बच्चे होशियार नहीं रहते, थोड़े बच्चे ऐसे रहते हैं एक बार पढ़ने से उन्हें सब याद हो जाता, थोड़े बच्चे दो तीन बार पढ़ने पर भी उन्हें याद नहीं रहता। ऐसे बच्चों को निराश नहीं होना है, बार बार आपको मेहनत करनी है। समझो कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर कोई खेल में आप अपनी दिलचस्पी रखते हैं, उस खेल को आप सीखना है, तो आप क्या करेंगे, बार बार उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब आप जाकर उस खेल में आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो उसी तरह अगर आपको कोई एक प्रश्न नहीं आ रहा है, दो तीन बार पढ़ने पर भी आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर से उसको दोहराना, एक बार नहीं तो 10 बार आप पढ़ लो। जितने बार आप पढ़ते हैं उतने बार आप उसे लिखना चाहिए। 2 बार पढ़ने पर ये मुझे नहीं आता, ये काम मुझसे नहीं होता, अगर ऐसा सोचकर आप वहां से हट जाएंगे तो जिंदगी में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले आपको मेहनत करनी है, परिश्रम करना है।
अगर परिश्रम के साथ कर लेंगे तो भगवान भी आपके साथ रहेंगे और आपके जीवन में कहीं पर भी कठिनाई नहीं आती। तो आज यहाँ पे इस पद का पूर्ण पाठ हो जाता है। तो इस कविता में हम यह सीखते हैं कि जितने भी आप खेल कूद कर लो, मौज मस्ती कर लो, जितना मजा करना है कर लो, लेकिन जब आपका समय परीक्षा के नजदीक आ जाता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान अपने खेल कूद से हटाकर आपको कहाँ रखना है, पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। थोड़े दिन के लिए, पूरा साल तो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन जब भी आपकी परीक्षाएं नजदीक आए तो आपको थोड़ा ध्यान परीक्षा की ओर, अपनी पढ़ाई की ओर देना है। जब थोड़ी मेहनत यहाँ पर करेंगे तो आप बहुत सारा मेहनत का मीठा फल आप खा सकते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमें वह परिश्रम का फल नहीं मिलता। और यहाँ पर मैंने दो प्रश्न देने वाली हूँ, उस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढना, यानी जो पुस्तक में दिया है, जो बोर्ड पर लिखा है, उसी में से नहीं, जो हमने बताया है, आप अपने वाक्यों में उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो। मेहनत करने वालों की कौन मदद करते हैं, इनाम से लेना है। तो यहां पर दो प्रश्न दिए हैं, इन दो प्रश्नों को आप अपने वाक्यों में लिखिए। अब तक आपने पूरा पद्य तो सुना है और देखा भी है बोर्ड पर, तो आप क्या करिए, जो आपने सुना है उदाहरण के साथ, इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार, पहले से अंत तक एक बार मैं पद को दोहराती हूँ, आप सुनिए। पढ़ना है जी, पढ़ना है हमको, ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे सब मस्ती के दिन, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। इस कविता को ध्यान से सुनिए और जो प्रश्न हमने दिया है उसी प्रश्न